गौतम गंभीर का अब होगा असली इम्तिहान, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के शेड्यूल का हुआ ऐलान। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए शेड्यूल का ऐलान हो चुका है। पहली बार इस सीरीज में 5 मैच खेले जाएंगे। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में होने वाली इस सीरीज में पिंक बॉल डे नाइट मुकाबला भी होगा। ये सीरीज हेड कोच गौतम गंभीर के लिए भी कठिन इम्तिहान होगा। हालांकि पिंक बॉल टेस्ट के लिए टीम इंडिया ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय टीम इस साल नवंबर महीने में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी, जहां दोनों टीमों के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। तकरीबन 2 महीने लंबे समय तक चलने वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के इतिहास में पहली बार दोनों टीमों के बीच 5 मैच होंगे। खास बात यह है कि इस सीरीज में दर्शकों को एक डे नाइट टेस्ट मैच भी देखने को मिलेगा। ये डे नाइट मैच 6 से 10 दिसंबर के बीच एडिलेड ओवल में आयोजित होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डे नाइट टेस्ट में टीम इंडिया का अब तक का प्रदर्शन काफ़ी खराब है, लेकिन इस बार भारत कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता है। ऐसे में उन्होंने एक अहम फैसला लिया है। भारत 2020-21 के ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद पहली बार क्रिकेट के सबसे बड़ा प्रारूप में सीरीज के लिए जाने वाला है।